नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। आखिर क्यों संभल में दलित परिवार कर रहे हैं पलायन? कैसे आगरा में युवक के जान के पीछे पड़ा है एक सांप? क्यों हाथरस में 12 साल के बच्चे ने रची अपने अपहरण की झूठी कहानी? जानेंगे इन तमाम खबरों के बारे में, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते पहली खबर से। राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ के दिलकुशा कॉलोनी में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण दीवार गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मजदूर दीवार के पास में ही टेंट लगाकर सो रहे, सभी मजदूर झांसी के रहने वाले हैं। घायल मजदूर ने बताया कि रात के 12 बजे की घटना है। हादसे के समय वहां पर 15 मजदूर मौजूद थे। वे यहां पर दीवार का निर्माण कर रहे थे। घायल 6 मजदूरों को हजरतगंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दुर्घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने सभी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर देने का ऐलान किया है। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में भारी बारिश और नगर निगम कंट्रोल रूम तक पानी घुसने की सूचनाओं के बीच हालात का जायजा लेने निकली कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब को सड़कों पर भारी जल जमाव का सामना करना पड़ा। कमिश्नर ने घुटनों तक पानी में पैदल चढ़कर हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने तत्काल स्कूलों दफ्तरों को आज बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों को सलाह दी कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। बारिश की वजह से राजधानी के मोहल्लों में जमा पानी को पंपों से बाहर निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते इस काम में कोई खास सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। बारिश ने राजधानी लखनऊ में जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सीजन में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बारिश से पूरा शहर सराबोर है। अगली खबर हाथरस से है। हाथरस के नौगांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई टीम की रेड से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल सीबीआई की टीम बैंक में किसी बड़े घोटाले के मामले की जांच को लेकर दस्तावेज खंगालने में जुटी थी। सीबीआई की टीम छापेमारी से बैंक के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। सीबीआई की टीम ने बैंक का दरवाजा लॉक कर बैंक के अंदर बैंक कर्मियों से पूछताछ की, साथ ही बैंक में रखे दस्तावेजों की भी जांच की। टीम जांच देर रात तक चलती रही। अगली खबर आगरा से है। शासन के निर्देशों पर मदरसों का सर्वे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसी को लेकर ताज नगरी आगरा के धनौली इलाके में स्थित मदरसा दारूम सलाम पर गुरुवार को सर्वे के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई। प्रशासन की टीम जब मदरसा दारूम सलाम पहुंची तो मदरसा प्रशासन में हड़कंप मच गया। सर्वे के दौरान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से सर्वे की टीम ने जानकारियां जुटाई। टीम का कहना है कि ताज नगरी आगरा में कुल मदरसों की संख्या 120 है। शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मदरसों का सर्वे किया जाए। 12 बिंदुओं पर टीम सर्वे कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, मदरसों की जांच नहीं है, सर्वे है। सर्वे और ये हमारे पास, हमारे आगरा जनपद में कुल 120 मदरसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हीं का सर्वे हो रहा है। सरकार की मंशा है कि इनका सर्वे कर लिया जाए और इनको मुख्यधारा में लाया जाए। कितने ऐसे बिंदु हैं जिनका आप जांच कर रहे हैं? 12 बिंदु हैं। 12 बिंदु हैं जिनपे मदरसे का नाम क्या है, मदरसे का में पाठ्यक्रम क्या चलाया जाता है, मदरसे में शिक्षक कितने हैं, बच्चे कितने हैं, टॉयलेट पानी की व्यवस्था है कि नहीं, यही सब। खबर गाजीपुर से है, जहां रिश्वतखोर चकबंदी लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने चकबंदी लेखपाल सूरज सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ लेखपाल को घूस लेते हुए पकड़ा। गिरफ्तार करने के बाद सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। मामला ये है कि शिकायतकर्ता विनय कुमार गौड़ पुत्र स्वर्गीय विभूति गौड़ निवासी बबूरा थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर द्वारा दिनांक 12/9/2022 को मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर के इस बात का शिकायत की गई कि मेरे क्षेत्रीय लेखपाल चकबंदी श्री सूरज सिंह द्वारा जो है चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश होने के बावजूद भी उनके अराजी नंबर 645 का अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। उनके बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी लेखपाल चकबंदी द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। इस बात की शिकायत पर आज दिनांक 15/9/2022 को शिकायतकर्ता से जिला अधिकारी कार्यालय गेट नंबर 2 के सामने विक्रम गुप्ता की दुकान के पास से जो है 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए चकबंदी लेखपाल श्री सूरज सिंह को गिरफ्तार। अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से सीतापुर जिला अधिकारी अनुज सिंह ने 1 से लेकर इंटर तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।
खबर आगरा से है। आगरा के दक्षिणी बाईपास स्थित मलपुरा क्षेत्र के मनकेड़ा गांव में एक युवक के पीछे एक सांप हाथ धोकर पड़ा है। दरअसल मनकेड़ा गांव में रहने वाले इस युवक को सांप ने एक या दो बार नहीं बल्कि 5 बार काटा है। हालांकि रजत की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो इलाज कराने के बाद सही सलामत है, लेकिन सांप से अब डर बना हुआ है। रजत का पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। खबर श्रावस्ती से है। बारिश के कहर से जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलती है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को जल भराव की समस्या से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जिले में तीसरे दिन भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहने से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर सहमे कछार के बाशिंदे। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। धान मक्का गन्ना तिल उड़द की फसल को फायदा होगा। अगली खबर इटावा से है। थाना बकेश्वर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप से जहां ट्रेवल्स का व्यापार कर रहे एक रिटायर्ड फौजी से दबंगों ने 15,000 रुपये प्रतिमाह की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने रिटायर्ड फौजी से मारपीट और लूटपाट की। उन्हें दबंगों से जान माल के नुकसान का डर है, जिसके चलते बीते 2 दिनों से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रिटायर्ड फौजी थाना के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित ने पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगाया है। हम टीवी पर जो कुछ भी देखते हैं उसका असर हमारे जीवन पर भी होता है। एक ऐसा ही मामला हाथरस के कोतवाली सदर क्षेत्र के मुरसान गेट से सामने आया है, जहां एक बच्चे ने अपने पिता की डांट से बचने के लिए खुद के अपहरण होने की झूठी कहानी बनाई। 12 वर्षीय कर्तव्यवास ने पापा की डांट से बचने के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। ट्यूशन से घर जाने के बजाय दोस्तों के साथ मेला देखने गया। घर पहुंचने पर देर होने की वजह घर वालों को खुद को टेम्पू में अपहरण कर ले जाने की बात फोन करके बताई थी। पुलिस ने देर रात मुख्य जगहों के CCTV कैमरे चेक किए, जिसे देखने के बाद बच्चे से पूछताछ के बाद इसका खुलासा हुआ। बच्चे ने यह भी बताया कि टीवी में चल रहे अपहरण के मामलों को देखकर ही ऐसा करने की योजना उसके मन में भी आई थी। बहुत मेहनत है तरकीब, जिन लोगों ने बेचारे जब से आए हैं 8 बजे के मेरे साथी लग रहे हैं, और बच्चे के जो भी सामान था बरामद करके तो लाया, और जो भी थी कमी वो सब दूर करा के थी सर ने। मेला देखने गया था सर, उसमें झूठ बोल के कुछ बनाया है। उस सर में सर ने बहुत सराहनीय मेहनत की तो बच्चों को सब कामयाबी मिली। मामला चंदौली कोतवाली के गांव मई का है, जहां दलित की नाबालिग बेटी को दूसरे समुदाय का युवक अगवा कर ले गया। पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद जब लड़की बरामद नहीं हुई तो परिवार के मुखिया ने गांव से पलायन करने की तैयारी कर ली। सूचना पर BJP नेता उमेश दिवाकर मौके पर पहुंचे और पलायन न करने को कहा, लेकिन पीड़ित व्यक्ति ने किसी की न सुनी। परिवार का कहना है कि पुलिस लड़की ढूंढ नहीं सकी। मुसलमानों की बहुलता वाली आबादी का गाँव है, जहाँ उस पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वह बिसौली में रहने को जा रहा है। बाद में ASP श्री चंद इस गांव में पहुंचे हैं। पुलिस की कवायद के बाद पलायन रुक गया है, जिससे पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। अब देखना यह है कि अपहर्ता को कब तक पुलिस बरामद कर पाती है। थाना चंदौसी के ग्राम मई में विगत 30 अगस्त को एक बालिका के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में अपहर्ता की माँ की तहरीर के आधार पर तत्काल ही थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज सूचना प्राप्त हुई कि पीड़ित परिवार पुलिस से मिलकर कुछ साक्ष्य देना चाह रहा है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई एवं उनसे वार्ता के क्रम में पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही पीड़िता की बरामदगी की जाएगी। इस प्रकरण में टीमों का गठन कर दिया गया है एवं साक्ष्य के आधार पर शीघ्र ही पीड़िता की बरामदगी करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सूचित की जाएगी। खबर संभल से है, जहां मीट फैक्ट्रियों की ओट में मनमानी कर पशुओं के अवशेष के अवैध भंडारण का खुलासा हुआ है। दरअसल मीट और हड्डियों की फैक्ट्री से हड्डी जलाने की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद SDM CEO पुलिस फोर्स लेकर इस गांव में पहुंचे, जहां कई हाथों में भारी तादाद में पशुओं के अवशेष मिले जिन्हें सुखाया जा रहा था। दुर्गंध के मारे वहां पर खड़ा होना मुश्किल था। SDM ने थाना पुलिस को अवशेष का भंडारण करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और हड्डी फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है। यहाँ पे चीमेवाली गांव में संबद्ध जिले में कुछ बोन्स मिल्स हैं और स्लॉटर हाउसेस भी हैं, तो यहाँ से प्रायः शिकायतें प्राप्त होती हैं कि ये इस तरह से हड्डियों को जलाते या गलाते हैं, जिसके धुएं से आसपास बहुत बदबू फैलती है। तो उसी निरीक्षण के क्रम में हम लोग आए थे, मैं और CEO साहब, पुलिस की टीम भी है। देखा गया है कि यहाँ 2-3 ऐसे परिसर मिले हैं जहाँ पे लोगों ने जानवरों के ऐसे अवशेष सुखाने का काम कर रहे हैं जो सामान्य रूप से
नहीं सुखाए जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।